असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा कि उनके बयान को सभी माता पिता को जरूर सुनना चाहिए। जी हाँ, मौका था मजलिस एजुकेशन और रिलीफ ट्रस्ट के कार्यक्रम में, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया और बोलते हुए बच्चियों को पढ़ाने पर ओवैसी ने काफी जोर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं खास तौर पर अपनी बेटियों से कह रहा हूँ कि जरूर पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आने वाली नस्ल को तैयार कर पाओगे। मैं भी पिता हूँ, खुदा के लिए बेटियों को पढ़ाओ। और क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आप भी सुनिए। ये इमारतें, ये दारुसलाम, ये तमाम चीजें कब आबाद रहेंगी? क्या जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं, आपके इत्तेहाद से आबाद रहेंगी, आपके सियासी शऊर से आबाद रहेंगी, आपके मुत्तहदा वोट के इस्तेमाल से आबाद रहेंगी। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मैं इन तुलबा और तालिबात को रास आपसे मुखातिब होकर आपसे कह रहा हूँ, खूब पढ़ो। खास तौर से मेरी इन बेटियों से कह रहा हूँ कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे एक के पढ़ने से ना सिर्फ आपके घर में एक चिराग रोशन होगा इल्म का, बल्कि अगर कोई हमारी बेटी तालीम याफ्ता हो जाएगी तो कल वो किसी की बीवी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, एक नेक आदमी की, कल वो की माँ बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और जब वो माँ तुम बनोगे तो तुम अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता करोगे, तुम उनको इल्म की अहमियत को समझाओगे। तो इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में मुसलमानों को अगर इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को ये नाइंसाफी का खात्मा अगर आप चाहते हैं, मुसलमान अगर चाहता है कि उसकी इबादत गाहों की हिफाजत हो, मुसलमान ये चाहता है कि उससे हम हुकूमतों से अपनी बात को मनवा सकें, तो याद रखो आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी मजलिस को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने जहन में रखिए और इंशाअल्लाह ताला ये आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑल इन वन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है 8,000 पूरे तेलंगाना में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप तमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला SSC में आला नंबरात और दर्जात के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बच्चियों के वालिदैन, खुदा के लिए इनको पढ़ाओ। यकीनन मैं भी एक बाप हूँ, अल्लाह ने मुझे भी बेटियाँ दी हैं, मेरे पर भी जिम्मेदारी है कि मैं उनको तालीम याफ्ता बनाओ और उन फिर उनको अच्छे और नेक घराने में शादी कराओ, मगर अपनी बेटियों को पढ़ाओ। याद रखो जो अपनी बेटियों को जितना ज़्यादा आप पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका और उन बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं अब जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर देने का है, अरे अगर कोई बच्ची पढ़ने के लिए तैयार है तो खुदा के लिए पढ़ाओ। अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो आओ मेरे पास, बात करो मुझसे, बताओ, इंशाअल्लाह ताला मुझसे और मजलिस से जो हो सकेगा हम पूरा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि मुसलमान के गरीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हों, खास तौर से हमारी बेटियां खूब पढ़ें। मैं बता रहा हूं मेरी बेटियों, याद रखो अगर तुम पढ़ने के लिए तैयार हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, अल्लाह मदद करेगा। मैं बता रहा हूं मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को कि आप ख्वाब देखना शुरू करो, ऊंचे ख्वाब देखो, देखो ख्वाब ये देखो कि तुम सबसे आला तालीम याफ्ता होगे। जब तुम तालीम याफ्ता होगे तो दीन तुमको समझ में आएगा, जब दीन समझ में आएगा तो तुम दीन पर अमल कर सकोगे, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। अरे दीन इस्लाम में तौहीद को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या जाहिल तौहीद को समझ पाएगा? नहीं समझेगा, पढ़े लिखे लोग ही तौहीद के पैगाम को समझेंगे। कुरान का मैसेज क्या है उसको कौन समझेगा? तालीम याफ्ता समझेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कौन समझेगा? अगर आप इल्म हासिल करेंगे, उलमाओं की महफिल में बैठेंगे तो ये सब चीज़ें हम इन पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मकसद एक ही है कि आप ताकतवर बने, आप कामयाब हों दीन और दुनिया में, ताकि आप हमारा मुस्तकबिल है। और जब आप मुस्तकबिल आपका होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इल्म के जेवर से आरास्ता करें, आपको ताकतवर बनाएं। और मजलिस के जितने भी मुखालिफीन हैं ये सिर्फ और सिर्फ गाली देना जानते हैं, तामीर का काम इनसे नहीं हो सकता। हाँ, चंदे करना, गरीबों को लूटना, बाहर से पैसा मंगवाना और उसके बाद शोबाजी करना, मजलिस के जो इदारे हैं
करोड़ों अरबों रुपए के इदारे हैं, ये आपकी इत्तेहाद की निशानी है, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।